राजस्थान के दूसरा रामगढ़ लालसोट में 75 दिन से चल रहा धरना स्थगित, पूर्व चेयरमैन के नाम जारी पट्टा निरस्त करने की मांग। SDM करेंगे जांच, शनिवार को लालसोट से दोषा पहुंचेंगे। पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। लखीमपुर खीरी में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए सड़कों पर उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। लखीमपुर के शिव भक्त सरजू नदी से जल भरकर पदयात्रा करते करते भोलेनाथ की भक्ति में नाचते गाते कई दिन से सफर के बाद गोला गोकरनाथ में जलाभिषेक करते, जो छोटी काशी के नाम से जाने जाते हैं। जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य के नरदौली के पास सीसम नगला बाईपास रोड से 100 मीटर दूर पेड़ पर लटका एक युवक का शव मिला। तकरीबन उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। युवक की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। राजस्थान के वारा छिपापडोद आदर्श विद्या मंदिर में गणवेश प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कार्यक्रम प्रमुख मनीषा महावर के अनुसार प्रतियोगिता का प्रारंभ वरिष्ठ आचार्य दीपक शर्मा द्वारा माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। राजस्थान के वारा अटरू में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जिलाध्यक्ष रोहित नागर व मंडल अध्यक्ष अनिल गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस नेता अधीरंजन का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस नेता अधीरंजन ने अशोभनीय टिप्पणी कर आदिवासी समाज व महिलाओं को किया है अपमान। सिद्धार्थनगर जिले में आज पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। कार्यक्रम में मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश और केंद्र सरकार की जमकर की तारीफ। अयोध्या में अखिल भारतीय श्री राम जानकी नूतन बधाई चौरसिया समाज मंदिर में स्वामी बैंकर दास महाराज की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अयोध्या के सभी साधु संत सम्मिलित हुए और शाकेतवासी महंत बाबा बैंकर दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसी अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ। अयोध्या में कौशल्य सदन ट्रस्ट मंदिर में जगतगुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंड स्वामी नतेंद्र दास महाराज की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। अयोध्या में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या इकाई की मासिक बैठक में चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर भी सम्मिलित हुए। आयोजित बैठक के दौरान चंदन हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर DP प्रजापति एवं डॉक्टर इमरान अहमद खान का गुर्दे के रोगों के विशेष में विस्तृत जानकारी दी। बलरामपुर में प्रभारी निरीक्षक थाना देहात द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलवारी नगर बालागंज गौरियल डीह फकीरन डीह में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।